Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Grant Free. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपना अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को अब ये क्वेश्चंस हैं कि देखो भैया कि जो आने वाली जो कट ऑफ है, राउंड थ्री की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो उसी को लेकर हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। पहले ही अब थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों का आइडिया लगभग लगने लगा है, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या अब आने वाले टाइम पर वीडियो मतलब कट ऑफ रह सकती है, और उसको लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो हमेशा की तरह लेफ्ट में आपको सारी चीज़ें दिखाता हुआ चलूँगा ताकि आपको चीज़ों का आइडिया लगता रहे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें कवर कर सकें। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो बाकी कट ऑफ भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो जी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब देखो, अगर मैं बात करूँ अब आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, तो आरवी की अगर मैं बात करूँ तो आरवी की सीएस की मैं बात कर लेता हूँ, तो सीएस की जो कट ऑफ आरवी की लगभग जाएगी वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 800 से 900 के बीच में ये कट ऑफ जानी चाहिए थर्ड राउंड की। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राउंड थ्री की। ठीक है, आरवी की मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग ये कट ऑफ जाएगी। इसी तरह की अगर मैं बात कर लेता हूँ अब बीएमएस की, तो बीएमएस की मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 1900 से 2000 के बीच में ये कट ऑफ 2000 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 2000। इस तरह अगर मैं MSRIT की बात कर लेता हूँ, तो MSRIT की जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ वो भी 19500 से 2500 तक ये कट ऑफ यहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बात कर लेता हूँ JSS की, तो JSS की मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूँ कि लगभग 4000 से 4500 के बीच में ये कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। JSS के बाद मैं बात करता हूँ दयान सागर की। ठीक है, दयान सागर की मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूँ लगभग 5000। दयान सागर के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एक और कॉलेज है BMSIT। तो ये ध्यान रखना है BMS CE अलग है और BMS IT अलग है। तो BMS IT की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लगभग 6500 तक इसके जाने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। BMS के बाद मैं बात कर लेता हूँ अब BIT बैंगलोर। ठीक है, BIT बैंगलोर की मैं मान के चल रहा हूँ कि 6500 से लेकर 7000 तक। BMS के बाद मैं बात कर लेता हूँ, सॉरी BIT के बाद बात कर लेता हूँ NIE की। NIE का जो कैंपस है वो मैसूर में है और अच्छा कैंपस है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं इनके। और इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ NIE की, तो NIE का जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ लगभग वो जाएगी लगभग 7500 से 8000 के बीच में। NIE के बाद मैं बात कर लेता हूँ अब देखोगे आप RD का दूसरा कैंपस है मैनेजमेंट वाला, तो RD के मैनेजमेंट वाले की जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ वो मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 8000 से 8500। RD के बाद मैं बात करता हूँ SMVIT जो कि एक अच्छा कॉलेज है। SMVIT के मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 9000 से 10000। ठीक है, SMVIT के बाद मैं आ जाता हूँ निट्टी पे, तो निट्टी कट ऑफ में मान के चल रहा हूँ 10000 से 11000 के बीच में। और निट्टी के बाद अगर आप देखोगे तो SIT टुमकुर जो एक कॉलेज है, ये टुमकुर में है, थोड़ा डिस्टेंस है लेकिन कॉलेज अच्छा है। ठीक है, SIT टुमकुर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 11000 से 12000 के बीच में। SIT टुमकुर के बाद RNCIT में मान के चल रहा हूँ कि जो इसकी कट ऑफ रहेगी लगभग 11500 से लेकर 12500 के बीच में। RNCIT के बाद मैं बात कर लेता हूँ केली हुबली की अगर मैं बात करूँ तो 12500 से लेकर 13000 के बीच में। BNM की मैं बात कर लेता हूँ तो BNM की जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ 13 से 14 के बीच में। BNM के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ CMR की, तो मैं मान के चल रहा हूँ 14000 तक ये कट ऑफ जाएगी। तो ये सारी जो कट ऑफ है ये राउंड थ्री में CS के लिए मैंने आपको बता दी है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये हो गया CS की।
सीएस के बाद एक और पॉपुलर ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, सीएस प्लस डेटा साइंस काफ़ी पॉपुलर है बच्चों में, इसको मैं बताता हूँ। तो सिमिलर आरवी की अगर आप देखोगे तो आरवी की मैं मान के चल रहा हूँ 1200-1300, बीएमएस की मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 23, से 25 के बीच में। डीएससी की बता देता हूँ, डीएससी की मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग ये जाएगी 5-6 के बीच में। बीआईटी की बात कर लेते हैं, बीआईटी की मैं मान के चल रहा हूँ 7K-8K। बीआईटी के बाद आरएनएसआईटी की मैं बात कर लेता हूँ, आरएनएसआईटी की मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 15-16K के बीच में, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे आ जाओगे, अब बात कर लेते हैं AI और ML की। अगर AI ML की बात कर लेते हैं तो सिमिलर आरवी में अगर आप देखोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 1500 के आसपास। बीएमएस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 3.5-4K। एमएसआरआईटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एमएसआरआईटी में मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 3-5 से 4K के बीच में। थोड़ा राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो कोई बात नहीं, वैसे आपको सुनाई तो पड़ ही रहा होगा। डीएससी की मैं बात कर लेता हूँ तो डीएससी की 7-8K के बीच में, ठीक है। बीआईटी की अगर आप देखोगे तो बीआईटी की मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 9K तक इसमें आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। एसएमवीआईटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एसएमवीआईटी में मान के चल रहा हूँ 12K तक। निट्टी की मैं बात कर लेता हूँ तो निट्टी की मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 13K तक, ठीक है। इसके अलावा बीएनएम कि मैं बात कर लेता हूँ तो लगभग 20K तक। और आरएनएसआईटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लगभग 20-21K तक। उसके बाद सीएमआर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सीएमआर का मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 23-24K तक ये जाना चाहिए। तो ये एक मेरा रफ आइडिया है AIML के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ISC की तरफ मैं आ जाता हूँ, ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है। ISC के अगर आरवी का आप देखोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 1.2-1.5K के बीच में। BMS की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो BMS का मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 3K-3.5K। MSRIT की मैं बात कर लेता हूँ तो MSRIT की मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 3K-4K के बीच में। दयानंद सागर की मैं बात कर लेता हूँ तो दयानंद सागर की मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 6K-7K। अब BMS का जो दूसरा कैंपस है उसकी मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 8K। BMS के बाद BIT बैंगलोर जो है उसकी मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 8K-9K। और NIE का जो कैंपस है उसकी मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 10K के आसपास। SMVIT का अगर मैं बता दूँ, SMVIT का मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 12K-13K के बीच में। और SIT का मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 13-14K के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसकी कट ऑफ यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप और आगे आ जाएंगे तो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, अब इनकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ECE के लिए। ECE अगर ECE की मैं बात कर लेता हूँ तो RV की अगर मैं बात करूँ तो RV का जो है लगभग 3.5-4K के आसपास मैं मान रहा हूँ। BMS की अगर मैं बात करूँ तो BMS का अगर आप देखोगे तो लगभग 5K।
MSRIT की मैं बात करूं तो MSRIT की मैं मान के चल रहा हूं लगभग 5 to 6K के बीच में। NIE की मैं अगर बात कर लेता हूं तो NIE की मैं मान के चल रहा हूं लगभग 10K के बीच में। RB का अगर IT वाले की बात करोगे तो मैं मान के चल रहा हूं लगभग 14K। दयानंद सागर की अगर मैं बात कर लेता हूं, दयानंद सागर की मैं मान के चल रहा हूं लगभग 13 to 14K। अब इसमें क्या रह गया, BIT रह गया। BIT की अगर मैं बात करूं तो BIT की मैं मान के चल रहा हूं लगभग 15K के आसपास, 15 से 16K। BIT के बाद अगर आप देखोगे तो SIT टुमकुर की अगर मैं बात करूं तो SIT टुमकुर की मैं मान के चल रहा हूं लगभग 19K। SIT टुमकुर के बाद अगर मैं बात करूं तो SMVIT की अगर मैं बात कर लेता हूं तो SMVIT का मान के चल रहा हूं लगभग 20K। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि आने वाले टाइम पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही है। बाकी चीज़ों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ आपकी क्वेरीज हैं आप जुड़ सकते हैं हमसे, कुछ आपको पेड काउंसलिंग करवानी है उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज रिकॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।